नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज 509 का पांचवा प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसके पहले चार प्रश्न हो चुके हैं और इसमें दो प्रश्न बाकी हैं, छठा और सातवां। ये यूनिट ही बहुत इम्पोर्टेंट है। जो यूनिट नाइन है, 509 का, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे निश्चित रूप से आपके प्रश्न आने वाले हैं, इसलिए इसको बार बार देख लेंगे। यह एक VVI प्रश्न है। रूब्रिक्स के क्या लाभ हैं या रूब्रिक्स क्या है? यदि यहाँ पर प्रश्न आ जाए, क्या है, तो इसमें यही प्रश्न का उत्तर आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं उत्तर को। दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और आगे बढ़ें। रूब्रिक एक मूल्यांकन उपकरण होता है। यह एक मूल्यांकन उपकरण है। मूल्यांकन जैसे पोर्टफोलियो, एक मूल्यांकन उपकरण है जिससे हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। परीक्षा लेना, टेस्ट लेना, जिस तरह से एक परीक्षा का ये मूल्यांकन उपकरण है, उसी तरह से रूब्रिक्स एक मूल्यांकन उपकरण होता है जिसका निर्माण विद्यार्थियों का किसी क्षेत्र जिसका निर्माण विद्यार्थियों का किसी क्षेत्र में प्रदर्शन का आकलन हेतु किया जाता है। अब वह कौन सा क्षेत्र होगा जिसमें पाठचर्या विषयों, पाठचर्या गतिविधियों और सामाजिक एवं व्यक्तिगत गुणों को सम्मिलित किया जा सकता है। इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में मेरा मूल्यांकन होगा, रूब्रिक्स होगा, उसमें हम क्या क्या सम्मिलित करते हैं? पाठचर्या विषय यानी जो आप पढ़ा रहे हैं वो विषय, पाठचर्या गतिविधि जो आप गतिविधि करवाते हैं, सामाजिक और व्यक्तिगत गुण जैसे सहयोग करने का गुण, अनुशासन, संवेदनशीलता, स्वच्छता, जो एक दूसरे को रिस्पेक्ट देता है, इस तरह के बहुत सारे सामाजिक और व्यक्तिगत गुण है। तो इन सभी के मूल्यांकन आकलन के लिए रूब्रिक्स का उपयोग करते हैं। पाठचर्या का विषय जो आप पढ़ा रहे हैं, जिस विषय को पढ़ा रहे हैं उसका मूल्यांकन करना हो तो इसका उपयोग करते हैं। उस गतिविधि का भी मूल्यांकन करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। प्रदत्त कार्य आरंभ करने से पहले इसे विद्यार्थियों को सौंपा जाता है। ध्यान देंगे, जो भी आप कार्य बच्चों को करने के लिए दे रहे हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट कार्य हो, प्रोजेक्ट वर्क हो या फिर होमवर्क हो, जो कुछ भी, या क्लास वर्क हो, जो कुछ भी आप बच्चों को दे रहे हैं उसके पहले आपको रूब्रिक्स देना होगा। रूब्रिक्स क्या करता है कि इससे बच्चों को पता चलता है कि मेरा किन-किन बातों पर मूल्यांकन होना है। मान लीजिए एक गतिविधि आप दे दिए, गतिविधि में आप उनको बता दिए कि यदि गतिविधि में सहयोग करेगा तो 5 मार्क्स, सहयोग के लिए 5 मार्क्स, गतिविधि में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए 5 मार्क्स, गतिविधि के योजना निर्माण के लिए 5 मार्क्स, गतिविधि जो इसका लास्ट में कंक्लूजन होगा इसके लिए 5 मार्क्स। तो बच्चा जब समझ जाएगा कि हम यदि एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे तो मेरा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये रूब्रिक्स पहले देने से बच्चे उन मानदंडों पर विचार कर सकते हैं जिन उनके कार्य का आकलन मूल्यांकन किया जाएगा, जिन पर उनका कार्य
पर आकलन और मूल्यांकन किया जाएगा। इसलिए प्रदत्त कार्य प्रारंभ होने से पहले रूब्रिक्स को बच्चों को दे देना पड़ता है, ताकि बच्चे समझ जाते हैं कि मेरे किन किन बातों पर मूल्यांकन होने वाला है, किन किन बातों पर हमको पॉइंट मिलने वाला है, किन किन बातों पर हमको मार्क्स मिलने वाला है, तो बच्चे उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे दूसरा चीज़ एक देखिए, लेटर जब हम बच्चों को लिखाते हैं तो कहते हैं यहाँ का जो हैंडिंग है यहाँ पर दोगे 2 नंबर, यहाँ एड्रेस और दिनांक देगा 2 नंबर, यहाँ पर लिखेगा तो इसका है 3 नंबर, और यहाँ पर यदि लिखेगा तो इसका है 2। तो बच्चे समझ जाते हैं कि नहीं मेरे कहाँ पर क्या कैसे मार्क्स आने वाले हैं। तो ये हुआ आपका रूब्रिक्स, और इसे विद्यार्थियों को प्रदत्त कार्य के प्रारंभ में ही दिया जाता है। एकदम ये क्लियर ध्यान रखेंगे, ये रूब्रिक्स का ये मुख्य बात है। रूब्रिक्स का मुख्य बात है कि बच्चों को प्रदत्त कार्य देने के पहले आपको रूब्रिक्स देना होगा। रूब्रिक्स शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए सहायक होते हैं। यह जो है शिक्षकों के लिए भी सहायक है, विद्यार्थियों के लिए भी सहायक है। वे विद्यार्थी के अंतिम उत्पाद में सुधार करते हैं, इसलिए अधिगम में वृद्धि होती है। बच्चे जबकि जान रहे हैं कि मेरा अंतिम उत्पाद क्या होगा, कहाँ से मार्क्स मिलने हैं, तो वे सुधार करते हैं, इसलिए अधिगम में भी वृद्धि होती है। जब विद्यार्थी को रूब्रिक्स पहले ही प्राप्त हो जाता है तो वे समझ जाते हैं कि उनका मूल्यांकन कैसे होगा, और वे उसी के अनुरूप तैयारी करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब उसे पता हो जाता है कि उसका मूल्यांकन कैसे होगा तो वह उसी के अनुसार तैयारी करते हैं। जब शिक्षक प्रपत्रों और परियोजनाओं का मूल्यांकन करते हैं तो उन्हें ज्ञात हो जाता है कि अंतिम उत्पाद को क्या अच्छा बनाता है और क्यों। रूब्रिक्स द्वारा प्रदान किए जाने वाले कई लाभ निम्नवत हैं। क्या क्या लाभ हैं ये देखिए। विद्यार्थियों को यह स्पष्ट दिखाकर कि उनका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा और उनसे क्या अपेक्षाएँ हैं, विद्यार्थी के प्रदर्शन में सुधार करता है। जब हम उसको पहले बोल दिए कि आपका मूल्यांकन कैसे होने वाला है, आपसे हम क्या अपेक्षाएँ रखे हैं, कहाँ पर किस तरह से बेहतर प्रदर्शन करना है, तो विद्यार्थी उस तरह से अपना तैयारी करता है, प्रदर्शन में सुधार करता है। विद्यार्थियों की अपने कार्य की गुणवत्ता की बेहतर ढंग से परख करने में सहायता करता है। आकलन को और अधिक वस्तुनिष्ठ और सुसंगत बनाने की स्वीकृति देता है। अध्यापक को अपने मानदंडों को निर्दिष्ट पदों में स्पष्ट करने पर जोर देता है। विद्यार्थियों के कार्यों के मूल्यांकन में व्यय होने वाले अध्यापकों के समय को घटाया है। यहाँ देखिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है। जो अध्यापक को मूल्यांकन करने के लिए, आकलन करने के लिए अधिक समय देना पड़ता था, रूब्रिक्स के द्वारा कम समय में ही मूल्यांकन या आकलन संभव होता है। तो यहाँ पर शिक्षकों का समय की बचत कराता है। सामूहिक प्रदर्शन आकलन में प्रयोग किए जाने वाले मानदंडों के बारे में विद्यार्थियों की जागरूकता को प्रोत्साहित करता है। मान लीजिए कोई सामूहिक गतिविधि कर रहा है, इस सामूहिक गतिविधि में एक एक बच्चा का क्या क्या प्रदर्शन को आप ध्यान में रखेंगे, बच्चे उसको जान जाते हैं, जिससे बच्चे जागरूक हो जाते हैं और अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। निर्देशों की प्रभावशाली के संदर्भ में अध्यापक को उपयोगी पृष्ठ पोषण प्रदान करता है, यानी फीडबैक। अध्यापक को अच्छा फीडबैक मिलता है आगे करने के लिए, सुधार करने के लिए। विद्यार्थियों को उनकी शक्तियों और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्र के बारे में अधिक सूचनात्मक पृष्ठ पोषण प्रदान करता है। चलिए दूसरे पेज में देखते हैं। दोस्तों यदि आपको ये नोट्स अच्छा लग रहा हो और यदि एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप ये नोट्स मंगाना चाहते हैं, तो इसके लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करेंगे, यहाँ पर आपको 508, 509, 510 ये तीनों का नोट्स आपको मिलेगा। सी टैट की यदि आप तैयारी कर रहे होंगे तो उसका भी नोट्स मेरे पास मिलेगा। दोस्तों ये बहुत ही सरल भाषा में है, सिलेबस के अनुसार है। सबसे बड़ी बात है कि
ये सिलेबस के अनुसार है। और आप सभी देखे होंगे पिछले एग्ज़ाम में 501 से लेकर 507 तक के एग्ज़ाम में मेरा नोट्स ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सबसे अच्छा नोट्स में मेरा नोट्स आया है। अधिकांशता प्रश्न मेरे नोट्स से आए थे, इसलिए संभवतः इस बार भी आएंगे। मैंने बहुत मेहनत कर इसे बनाया हूँ। आप यदि लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे। एक कोर्स का PDF के रूप में मात्र 25 रुपये आपको देने होंगे। मात्र 25 रुपये, बहुत महंगा नहीं है, और 25 रुपये में आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। आपकी तैयारी का जो समय है वो उसको कम कर देगी, आपके समय को बचत कर देगी। इसलिए इस पर ध्यान देंगे और इस नोट्स को आप लोग मंगाएंगे। चलिए आगे इसका देखते हैं। प्रयोग में सरल होते हैं और वर्णन में सरल होते हैं। ये जो रूब्रिक्स होते हैं ये प्रयोग करने में सरल हैं, शिक्षकों को भी समझने में, विद्यार्थियों को भी समझने में, उसको प्रयोग करने में सरल होता है और वर्णन करने में भी सरल होता है, इसलिए रूब्रिक्स का उपयोग सभी लोग करते हैं। दोस्तों इसका दो प्रश्न बच गया, 509 का CC के उद्देश्यों का वर्णन करें और CC के अंतर्गत विद्यार्थी आकलन के क्षेत्र का वर्णन करें। तो इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे। यहाँ पर आपको CTET की भी तैयारी करवाया जा रहा है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और प्रत्येक रात को CTET का लगभग 9 से 9:30 के बीच में वीडियो अपलोड होता है। अभी मैथ का क्लासेस चल रहा है, आप लोग ध्यान देंगे मैथ का क्लास करने के लिए। CTET का क्लास करने के लिए आपको 9 से 9:30 के बीच में वीडियो अपलोड होता है। धन्यवाद दोस्तों।